लिखो, दिस ग्राफ शोज एस एच ओ डब्ल्यू एस शोज दैट velocity changes by equal amounts in equal intervals of time। लिख लिया? उसके बाद में ये लिखना है फुल स्टॉप के बाद, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन the velocity time graph is a straight line। लिखा? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें ये जो ग्राफ है इसमें जो हमने कलर्ड पोर्शन दिखाया है तो कलर्ड पोर्शन का जो पार्ट है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगली लाइन में लिखो इसको। अगली लाइन में लिखना क्या है, अगली लाइन में यही लिखना है कि द डिस्टेंस, आगे लिखो उसी लाइन में लिख लो चाहे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, the distance traveled by the moving body can be calculated by finding the area between a straight line and the time axis। देख लिया? In this graph, the distance traveled by the moving body, displacement ही होगा, बुक में डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और उसके डिफिशिएंट के हिसाब से वेलोसिटी टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो उसमें ठीक है लिख लिया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2 small t1 रहेगा, उसके बाद इक्वल का साइन लगेगा, इक्वल लगाना है लाइन में, तब लिखना है एरिया का शॉर्ट फॉर्म एआर में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में जो भी फिगर बना हुआ एरिया ऑफ, अब देखो एरिया किसका निकालना है, ये t1 है ये t2 है, तो एरिया निकालना है AECBA या फिर खाली लिखे वाले लिख दिया जाएगा AECB यहाँ पे AECBA। ठीक है, अब इसका एरिया अगर देखोगे ना तो यहाँ पर AB और EC दो पैरेलल साइड्स है ना, और दो पैरेलल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो दो पैरेलल साइड्स हो
और बाकी के जो दो साइड्स है अनपैरेलल उसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ट्रेपेजियम का एरिया तुम लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं। यानी हम चाहे तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई निकाल लेंगे और उसमें प्लस करेंगे एरिया ट्रायंगल ए एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए ई डी को या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ई डी का एरिया हो जाएगा और प्लस किसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए डी ई डी। अब तुम लोगों को मालूम ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 लिख लिया, बेस बोला जाता है जिस साइड पर परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर देखोगे तो ईडी जो है ना एडी पे परपेंडिकुलर है या एडी भी ईडी पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसमें से कोई भी एक हाइट और दूसरा बेस हो सकता है। अगर मैं एडी एडी को बेस मान लूं तो ईडी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 एडी इंटू क्या लिख दूं, ईडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल है क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा ना। और जब ये 90 और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90, तो ये रिमेनिंग साइड्स भी 90, यानी सभी एंगल 90 डिग्री का है और इनके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, इक्वल एंड पैरेलल। तो इसलिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाँ एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम BC को लेंथ मान लें, BC और AD दोनों सेम है, तो जब यहाँ AD लिखे तो यहाँ भी AD लिख लेते हैं, ये लेंथ हो गया, तो ब्रेथ हमारा क्या AB या DC कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से हमने AB लिख लिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये इसका एरिया निकाल देंगे निकल जाएगा। अब ये BC का जो लेंथ है T1 से T2 टाइम तक वो बॉडी जो है मूव करी, ये तो टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, T2 - T1। अगर सपोज करो 10 सेकंड से 20 सेकंड तक वो मूव की है तो इंटरवल कितने का है, 10 का, 20 - 10 करेंगे। वैसे ही इस फिगर में हमने T2 T1 लिया है, तो यहाँ पे 1/2 तो लिखेंगे ही, AD के बदले हम T2 - T1 लिखेंगे। अब T1 T2 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया होगा। फिर इसी तरह से इंटू ईडी, ईडी बताओ क्या होगा, ईडी ईडी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी उसमें दिया होगा, अभी हम ईडी को ईडी ही लिख देते हैं और प्लस एडी के जगह फिर से वो T2 - T1 और ए बी कितना आएगा, ए बी, ये भी जो भी क्वेश्चन में होगा, क्योंकि हम लोग का जो ग्राफ है ग्राफ ऊपर पे तो है नहीं, ऐसे बनाया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू उसका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तुम लोगों को जब बुक में न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा ना, तो उसमें वो लाइन वाइन खींच करके, जैसे यहाँ पे जो डिवीजन है 0 से 10, तो ये क्लियरली दिया होगा, तो उससे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इतना ही नोट करो, ठीक है। अब ये ईडी और एबी की वैल्यू क्वेश्चन में जैसे दिया होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इतना नोट करो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तुम वैल्यू रखो ही, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको रख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने T1 T2 माना है, तो इसलिए मैंने इंटरवल निकालने के लिए T2 - T1 कर लिया, ठीक है। बुक में ये इतना ही लिख करके छोड़ दिया है, समझ आया। एरिया केवल निकाल देना, क्या कर देना है, एरिया जिस टाइम से जिस टाइम तक पूछेगा। अभी मान लो यहाँ पूछता 0 से लेके 20 सेकंड तक ना, तो एरिया हम पूरा यहाँ से ले, पूरा यहाँ ओ से लेकर के ई तक और ये इधर सी तक पूरा एरिया ले, जिस टाइम इंटरवल तक पूछेगा केवल हमको वहीं से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन एंड बिटवीन द टाइम एक्सिस हमारा यही है, एक्स एक्सिस इनके बीच का ही एरिया लिया जाएगा। अभी आप 15 से 20 तक पूछता तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, इतना का एरिया निकालते,
ठीक है, तो ये समझ लो और इसी तरह से क्वेश्चन जो है इसका न्यूमेरिकल्स भी लगेगा, नोट करो फिर बताता हूँ।